हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप कुमार सिन्हा, वेलकम टू माय चैनल। हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दिस वीडियो इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ माय प्रीवियस वीडियोस ऑन इनकम मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, इन विच आई डिस्कस्ड द टू कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक इनकम विच इज द फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ इनकम मेथड। दोज टू कंपोनेंट्स डिस्कस्ड वेयर दैट इज कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज नंबर वन एंड नंबर टू दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। आई डिस्कस्ड दीज टू कंपोनेंट्स इन डिटेल इन दोज प्रीवियस वीडियोज। लिंक्स फॉर दोज वीडियोज आर ऑलरेडी गिवन द डिस्क्रिप्शन बिलो। प्लीज वहां पर जाए लिंक पर टू हैव अ बेटर स्टैंडिंग ऑफ द इनकम मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। Now, the third component of domestic income is mixed income of self-employed, which is a mixture of rent, wages and salaries, interest and profits of self-employed people like small traders, shopkeepers, barlers, parlors, gym owners, doctors, that is advocates and other professionals. All the incomes earned by these people would be included in the mixed income of self-employed. Questions जो numerical problems का होगा, as it is same word to word आएगा mixed income of self-employed, उसके बारे में ज्यादा panic होने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई alter words पे नहीं आता। And now in this very video, I will discuss the various steps involved during computation of national income and its related aggregates in this very income method, that is of measurement of national income. Now let's start. तो अब तक हमने क्या सीखा कि इस income method में first calculation क्या करते हैं domestic income का, which is abbreviated as NDP at FC, means net domestic product at factor cost. It is the sum total. Now look at the board. It is the sum total of, that is NDP at FC is equal to compensation of employees plus operating surplus and plus that is mixed income of self-employed. Now what is compensation of employee? I already discussed in my previous video. It is the sum total of, that is wages and salaries plus employers' contribution to social security schemes, and that is operating surplus is the sum total of, that is income from property and income from entrepreneurship. Now income from property, that is equal to this rent and royalty and plus interest, and that is the reward paid to the enterprising sector, that is called the profit, which is equal to, this profit is equal to, that is profit tax plus dividend and plus undistributed profit. ये हमारा सारा components है domestic income का, जिसके बारे में हम पिछले videos में detail में चर्चा कर चुके हैं। सब कंपोनेंट्स के बारे में बता चुके हैं कि कौन सा कंपोनेंट्स इंक्लूड करेंगे, दैट इज ऐड करेंगे, कौन सा कंपोनेंट डिडक्ट करेंगे और कौन सा कंपोनेंट हम एक्सक्लूड करेंगे, ना हम ऐड करेंगे और ना ही डिडक्ट करेंगे। अब हम इसके बाद आते हैं उन मेथड्स पर, उन मेथड्स की चर्चा अब हम करने जा रहे हैं कि इस मेथड में हम कैसे, दैट इज नेशनल इनकम का कैलकुलेशंस करेंगे। नाउ इन दिस मेथड, लास्ट वन इज द कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज हाउ टू कंप्यूट नेशनल इनकम और इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। नाउ हैव अ लुक एट द बोर्ड। आई हैव जस्ट एक्सप्लेन और रिटेन दोज स्टेप्स, सिंपल स्टेप्स टू फॉलो व्हाइल डूइंग दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम। कोई भी मेथड हो, चाहे वो इनकम मेथड हो, वैल्यू एडेड मेथड हो या एक्सपेंडिचर मेथड हो, किसी भी मेथड में हम ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहला, फर्स्ट जो भी क्वेश्चंस हमें मिला है, जस्ट हैव अ लुक एट द कंपोनेंट्स ऑफ द मेथड गिवन इन द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चंस हमारे पास है वो क्वेश्चंस हम देखेंगे और वो देखेंगे कंपोनेंट्स कौन से मेथड का है, दैट इज ट्राई टू फाइंड आउट। नंबर टू, ट्राई टू फाइंड आउट द मेथड ऑफ कंप्यूटेशन टू बी यूज्ड ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम और इट्स एनी ऑफ इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स।
जब हम ये मेथड पता लगा लेंगे कि ये मेथड हमारा इनकम मेथड है या वैल्यू एडेड है या एक्सपेंडिचर मेथड है, वी ऑलरेडी नो दैट एवरी मेथड हैज अ फर्स्ट हैंड कैलकुलेशन ऑफ एनी ऑफ द एट एग्रीगेट्स इन दिस मेथड ऑफ इनकम मेथड दैट इज ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इट इज एनडीपी एंड एफसी दैट इज डोमेस्टिक इनकम। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि जो भी हमारा वो फर्स्ट हैंड कैलकुलेशन है वो उसको याद करने की कोशिश करेंगे और सारा कैलकुलेशन जो भी होगा किसी भी एग्रीगेट्स का होगा उसी फर्स्ट कैलकुलेशन से स्टार्ट होगा। देन जस्ट यू राइट डाउन द फॉर्मूला यूजिंग द रूल्स ऑफ कन्वर्सन जिसका हमने लिंक ऑलरेडी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, काइंडली लिंक पर जाएं और फिर अगर कोई कंफ्यूजन हो तो जस्ट सजेस्ट मी टू डू समथिंग मोर। उसके बाद क्या करें, फॉर्मूला लिखने के बाद में जो भी वैल्यूज उस कंपोनेंट का दिया हुआ है उस क्वेश्चन में वैल्यूज को हम पोस्ट करेंगे और पोस्ट करने के बाद सिंपल क्या है सिंप्लीफिकेशन एंड जस्ट ट्राई टू गेट द आंसर। कोई भी एग्रीगेट्स हो हमारा स्टार्ट होगा, मतलब हमने क्या फिर से रिवाइव करते हैं एक बार रिपीट करते हैं कि कोई भी कैलकुलेशन किसी भी कंपोनेंट में किसी भी क्वेश्चंस का कोई भी मेथड अगर होगा वो स्टार्ट होगा फर्स्ट कैलकुलेशन से उस मेथड का। जैसे इनकम मेथड में फर्स्ट कैलकुलेशन हमारा क्या है दैट इज एनडीपी एट एफसी, तो हर एग्रीगेट्स का कैलकुलेशन जो भी करेंगे स्टार्ट करेंगे एनडीपी एट एफसी से। जैसे हमने लास्ट देखा था वैल्यू एडेड मेथड, वहां फर्स्ट कैलकुलेशन था जीवीए एट एमपी, तो हर कैलकुलेशन स्टार्ट होगा कहां से हमारा जीवीए एट एमपी पे। नाउ लेट्स लुक एट दैट बोर्ड फॉर एनी इलस्ट्रेशन। सपोज यू वांट टू फाइंड आउट नेशनल इनकम, अगर हमें नेशनल इनकम निकालना है तो हाउ टू फाइंड आउट नेशनल इनकम, वी नो दैट द फर्स्ट कैलकुलेशन इन दिस मेथड इज एनडीपी एट एफसी। Now what we have to do, that is rules of conversion, we have to add or deduct according to the means component given in the question. That is simple, this is factor income from abroad, that is NFIA ka ek part dekhoge yahan likha tha from and this part that is to, yahan bhi hamara kya factor income hai hi hai but it is to abroad. Agar question mein diya hua hai net factor income from abroad और नेशनल इनकम कैलकुलेट करना होगा, देन वी हैव जस्ट टू ऐड, ऐड दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मींस एनएनपी एट एफसी। तो हमने स्टार्ट किया कहां से, एनडीपी एट एफसी से, स्टार्ट यहीं से होगा। इसमें हमने क्या कर दिया, जस्ट द रूल ऑफ कन्वर्सन, दिस इज द ओनली सेकेंड लेटर इज दैट इज डिफरेंट, वट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू दैट इज एनएफआईए, तो वी जस्ट ऐड एनएफआईए। ऐड कब करेंगे, जब फ्रॉम होगा तब, और अगर यही हमारा टू होगा देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, इसी को जो हमारा है ना एनएफआईए को हम इसमें क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर, दिस इज अ सब्ट्रैक्शन एंड दैट इज योर दैट इज द एडिशन पार्ट। यहां हमने क्या किया, ऐड कर दिया, यहां हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट कब करेंगे, जब हमारा ये टू अब्रॉड दिया हुआ है। ये तो हमारा था नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का ना, अगर इस नेशनल इनकम को छोड़कर कोई और भी एग्रीगेट्स दिया होगा तो उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे ऐसे ही, स्टार्टिंग फ्रॉम एनडीपी एट एफसी एंड जस्ट डूइंग द कन्वर्सन्स फ्रॉम ऑफ एनडीपी एट एफसी इनटू द अदर रिलेटेड एग्रीगेट्स एज पर द रूल्स ऑफ कन्वर्सन। लुक एट हियर, सपोज वी आर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीएनपी एट एमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, देन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर दैट इज एनडीपी एट एफसी। स्टार्ट हम यहीं से करेंगे बिकॉज द फर्स्ट कैलकुलेशन इन दिस मेथड दैट इनकम मेथड इज डोमेस्टिक इनकम विच इज एग्रीगेटेड एज एनडीपी एट एफसी, तो एनडीपी एट एफसी से स्टार्ट करेंगे। नाउ लुक एट हियर, दिस इज द फर्स्ट लेटर डिफरेंट दैट इज एन जी, रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, वी ऑलरेडी नो दैट डेप्रिसिएशन इज टू बी एडेड टू द नेट वैल्यू टू गेट द ग्रॉस वैल्यू, तो ग्रॉस वैल्यू निकालना है तो नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया। नाउ लुक एट दिस सेकेंड कंपोनेंट दैट इज डी एंड दैट इज एन, रिलेटेड टू एनएफआईए, तो इसमें हमने क्या कर दिया डोमेस्टिक, डोमेस्टिक में क्या करते हैं एनएफआईए ऐड करते हैं, तो वी जस्ट एडेड एनएफआईए टू द डोमेस्टिक टू गेट द नेशनल प्रोडक्ट। सिमिलरली इट इज एनपी एंड दैट इज एफसी, तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस किससे रिलेटेड है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस से, एंड वी नो दैट फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी ऐड करते हैं टू गेट द वैल्यू एट मार्केट प्राइस, देयरफॉर दिस एनआईटी इज एडेड। तो व्हाट इज ऑल अबाउट, दैट इज सिंपल रूल ऑफ कन्वर्सन ऑफ वन एग्रीगेट इनटू अनदर एग्रीगेट, बट फर्स्ट यू शुड नो विच इज द फर्स्ट कैलकुलेशन इन दिस मेथड। जैसे ही फर्स्ट कैलकुलेशन याद आया, क्वेश्चन हमने देख लिया कंपोनेंट किसका है पता लगा लिया,
फॉर्मूला लिख दिया, बस फॉर्मूला अपना जो याद है वो लिखने के बाद में क्वेश्चंस में जो कंपोनेंट दिया हुआ है उसमें से उसका अमाउंट का वैल्यू जो होगा पोस्ट करेंगे एंड वी सिंप्लीफाई एंड गेट द आंसर। ये हमारा सिंपल मेथड है कैलकुलेशंस का। आई थिंक दैट दिस वीडियो वुड बी फ्रूटफुल फॉर यू पीपल इफ यू जस्ट है ना नीड एनी अदर टॉपिक टू फॉर मी टू एक्सप्लेन, यू जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, सजेस्ट एनी टॉपिक सो दैट आई means go through those topics, explain those topics before you, but don't forget to press the bell icon so that you get my next video as well as soon as I simply upload the next video. In the last, I must say that please do like, share and subscribe my channel. Thank you.